हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स करियर क्लासेस आगरा। आज हम फिर से इंग्लिश पेडागोजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स। इनमें से कौन सी स्किल्स को प्राइमरी स्किल्स कहा जाएगा? आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है राइटिंग एंड रीडिंग, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, और आमतौर पर यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो ये आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, लैंग्वेज स्किल्स एक नेचुरल ऑर्डर में चलती है, जो सिक्वेंस है आपका LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें जो आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग है, इन्हें कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल्स। और जो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग है, इनको कहा जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स। आप इनको प्रोडक्टिव स्किल्स कह सकते हैं, इन्हीं को आप एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कह सकते हैं, और इन्हीं को आप कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल्स। यानी अगर आपसे रीइंफोर्समेंट स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स पूछी जाती हैं, तो आपका आंसर सेम रहेगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इसमें हम प्रारंभिक अवस्था में लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीखते हैं, तो इन दोनों को कहा जाता है प्राइमरी स्किल्स। और जो आपकी रीडिंग एंड राइटिंग है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी स्किल्स। अब यहां पर प्रश्न क्या है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स। तो आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा, द आंसर इज ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इज दैट क्लियर? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ लिसनिंग। इनमें से लिसनिंग का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन बी रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस रिदिम पैटर्न्स, टोन पैटर्न्स एंड इंटोनेशन, थर्ड ऑप्शन है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए, आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ या ना? अगर आप साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसमें जो आपकी वर्ड बाउंड्रीज हैं, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, रिदम पैटर्न है, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग का क्राइटेरिया है, सेकेंड ऑप्शन भी लिसनिंग का क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। आप प्रॉपर लिसनिंग कर रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करने की और अपना अटेंशन एक जगह रखने की। हाँ या ना? यानी अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, ये भी हमारी लिसनिंग का क्राइटेरिया है। फोर्थ ऑप्शन है बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप लिसनिंग करते हैं तो आप ये बात याद रखें, लिसनिंग करते समय आपका जो आई कॉन्टेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट इधर उधर है, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले जो कुछ भी कहा है उसकी प्रॉपर लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Under which activity do recognizing sounds and deducing meaning from them come? Answer आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पीकिंग, बी ऑप्शन है लिसनिंग, और थर्ड ऑप्शन है रीडिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग। अब जब उसने कहा है साउंड को रिकॉग्नाइज, देखो साउंड की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में दो ही स्किल आती हैं, या तो लिसनिंग आती है या फिर स्पीकिंग आती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो यहां पर हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं,
और जब हम बात लिसनिंग की करते हैं तो साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहां पर साउंड को रिकॉग्नाइज करने की बात कही गई है, इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन बी, लिसनिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिसनिंग स्टिमुलस, इसमें पूछा गया लिसनिंग स्टिमुलस क्या है। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क। सेकेंड ऑप्शन है, प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन। थर्ड ऑप्शन है, प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन। फोर्थ ऑप्शन है, लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। तो यहां पर ये आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए, आपको यहां पर तब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक आपको कि लिसनिंग स्टिमुलस का मीनिंग पता नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है, आपकी जो लिसनिंग एक्टिविटी है इसमें आपकी दो एक्टिविटीज काफी महत्वपूर्ण रहती है जो एग्जाम्स में अक्सर आती रहती है। इसमें फर्स्ट वन इज वाइल लिसनिंग एंड द सेकेंड वन इज लिसनिंग स्टिमुलस। वाइल लिसनिंग उनके लिए होती है जो लैंग्वेज को सीखने का एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये उनका फर्स्ट स्टेप है। जैसा कि आप समझ सकते हैं लिसनिंग के दौरान चल रहा है, तो जब वाइल लिसनिंग एक्टिविटी है तो ये आपकी लिसनिंग का इंट्रोडक्शन है, यानी लिसनिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज अपनाते हैं वो सभी आपकी वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। एंड सेकंड वन इज लिसनिंग स्टिमुलस, जो कि आपके इस प्रश्न में है। ओके, लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब क्या है? यहां ये एक्टिविटी तब होती है जब बंदा लिसनिंग में पूरी तरह से सिद्धहस्त हो जाता है। लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब होता है कि आपको लिसनिंग में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे दिया गया, लेकिन अगर आप में कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है तो आप उसे समझ सकते हैं। तो यहां पर जब आपको इंफॉर्मेशन में गैपिंग दी जाए, ये इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है, और आप उसे समझ लें, दैट इज नोन एज लिसनिंग स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, आप समझे कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाई वर यू एब्सेंट इन माय लास्ट क्लास, एंड यू आंसर्ड एक्चुअली आई हैव गिवन दैट्स व्हाई। आपने दैट्स व्हाई के बाद सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब अगर मुझे लिसनिंग प्रॉपर आती है तो मैं वहां पर समझ लूंगा कि आपके आगे कहने का मीनिंग क्या है। ओके, क्योंकि आंसर आप पूरा दे चुके हैं। अब वहां पर जरूरी नहीं है कि आप आगे यही बोले, दैट्स व्हाई आई डिडंट अटेंड योर क्लास लास्ट डे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही आपकी लिसनिंग स्टिमुलस एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज को फिल करना होता है। ओके, तो इसमें आपके क्लोज स्पेसेस, फिलिंदा ब्लैंक्स, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और इसमें कंप्लीट करने के लिए आप डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी धीमे धीमे अच्छी हो। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अब आपका ये अगला प्रश्न है, व्हाई लिसनिंग मींस आई स्टेज। देखिए, यही प्रश्न आपका आ गया, व्हाई लिसनिंग अभी मैंने आपको क्या बताया था। व्हाई लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन से। तो यहां पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन किसमें हो रहा है। ऑप्शन ए, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर। सेकेंड ऑप्शन है, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्जेशन। थर्ड ऑप्शन है, वेयर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका, वेयर अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर है डी। ओके, वेयर अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो आपकी इंट्रोडक्टरी लिसनिंग है उसी को हम वाइल लिसनिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब सीधे सीधे लिसनिंग के इंट्रोडक्शन से है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विथ, ऑप्शन आपके पास चार हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही चार आपकी स्किल हैं और वो चारों ही आपके ऑप्शन में हैं। तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लैंग्वेज स्किल्स का नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, लिसनिंग। हमेशा आप सबसे पहले सुनते हैं, सुनकर के फिर आप बोलना सीखते हैं। और याद रखिए जो आपका सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते भी हैं कि आपके जितने भी बच्चे आमतौर पर बहरे होते हैं वो उनमें से मोस्टली आपके गूंगे भी होते हैं। ओके? तो यहां पर यही बात आपको याद रखनी है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लिसनिंग। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में सबसे पहले क्या आता है, लिसनिंग आती है। ओके? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज LSRW स्टैंड्स फॉर। LSRW मैं आपको आज के वीडियो में ही दो बार बता चुका हूं। LSRW का मतलब क्या है, इसका मतलब है लैंग्वेज की फोर बेसिक स्किल्स है। वो कौन कौन सी है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ओके? तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें, लिसनिंग, स्पेशलाइजिंग, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइट थिंकिंग, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड लिसनर कैन, तो यहां गुड लिसनर के बारे में प्रश्न है। अब यहां चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। सेकेंड ऑप्शन है रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड। थर्ड ऑप्शन है प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड। तो यहां पर आप समझ सकते हैं जो आपका एक अच्छा लिसनर है वो क्या करेगा, वो जो आपका इंटोनेशन होता है, आपका स्ट्रेस होता है, आपका जो रिदम होता है, उसको वो बिल्कुल करेक्टली रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो उसी को कॉम्प्रिहेंड करेगा। ओके? तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरैक्टिव लिसनिंग इज, देखिए इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ कम्युनिकेशन, वी आर एस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन। तो इन दैट केस जब हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उससे होगा क्या कि जो मेरी थिंकिंग है वो आप तक पहुंचेगी और जो आपकी थिंकिंग है वो मुझ तक पहुंचेगी। यानी हमारी थिंकिंग का, हमारे थॉट्स का, हमारे आइडियाज का, हमारी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखते हैं लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, किसने सुना और फिर उसने रेस्पॉन्ड कर दिया। सेकंड ऑप्शन है लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज Listening for finding out speaker's attitude. तो आप देखिए विचारों का आदान प्रदान किसने हो रहा है, एक ने सुना फिर रेस्पॉन्ड किया, फिर सुना फिर दूसरे रेस्पॉन्ड कर दिया, तो लिसनिंग के साथ साथ रेस्पॉन्स भी दिया जाए तो वहां पर आपका इंटरेक्शन होता है। क्योंकि जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक आपके इंफॉर्मेशन या आपके थॉट्स या आपके आइडियाज एक्सचेंज नहीं होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A test of listening comprehension is a test of।
तो यहां पर पूछा है कि जो आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, तो यहां पर लिसनिंग की कॉम्प्रिहेंशन का अगर कोई टेस्ट है तो वो कौन सी स्किल का, किस चीज का टेस्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है रिसेप्टिव स्किल, सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्टिव स्किल, थर्ड है हियरिंग एबिलिटी एंड फोर्थ है फोनोलॉजी। देखिए हियरिंग एबिलिटी तो वहां पर आप चेक नहीं करेंगे, हियरिंग बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। हियरिंग का मतलब क्या है कि कोई भी साउंड आई मेरे कानों में परसीव हो गई, तो इट इज नॉट लिसनिंग। लिसनिंग का अर्थ होता है कि आई एम जस्ट गेटिंग द सेंस, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, कि उसका मतलब क्या है, उसके जो सामने बोल रहा है उसके जेस्टर्स एंड पोस्चर्स को भी रिकॉग्नाइज करना होता है। तो ये सारी ये केवल हियरिंग में पॉसिबल नहीं, हियरिंग में तो ये ट्रैफिक की साउंड भी मेरे कानों में आ सकती है, तो इट इज नॉट प्रॉपर। फोनोलॉजी, इसका भी कोई मतलब है, फोनेटिक्स किससे संबंधित है, स्पीकिंग से, तो यहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिसनिंग या तो रिसेप्टिव होगी या प्रोडक्टिव होगी। अब अभी हमने कुछ स्किल्स पढ़ी थी, तो उसमें लिसनिंग स्किल कौन से में आती है, रिसेप्टिव स्किल में या प्रोडक्टिव स्किल में, ये अभी मैंने आपको बताए थे। लिसनिंग एंड रीडिंग ये किसमें आती है, रिसेप्टिव स्किल्स। स्पीकिंग और राइटिंग ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है, रिसेप्टिव स्किल, क्योंकि यहां पर लिसनिंग की बात हो रही है तो लिसनिंग में आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए आपकी रिसेप्टिव स्किल की कॉम्प्रिहेंशन का एक टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स कैन बी डेवलप्ड टू। वर्बल का मतलब किससे है, आप अपने आप इस शब्द से समझ सकते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी मुझे डेवलप करनी है, और ये चार स्किल मेरे पास साथ में ऑप्शन में, ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, थर्ड है रीडिंग एंड द फोर्थ वन इज राइटिंग। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखना है। यहां पर जब बात वर्बल की आ रही है तो आपको पता है कि बात यहां पर लिसनिंग की नहीं हो रही है, स्पीकिंग की हो रही है, रीडिंग और राइटिंग ये तो कैसे भी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज स्पीकिंग। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग इन ट्यू। मैकेनिक्स में क्या होता है, तो पहले तो आप ये समझिए मैकेनिक्स होता क्या है, है ना, मैकेनिक्स होता क्या है। देखिए जो आपके एरियाज ऑफ स्पीकिंग होते हैं उनमें आपकी तीन चीजें आती हैं, किसमें, एरियाज ऑफ स्पीकिंग में, एरियाज ऑफ स्पीकिंग में आपकी तीन चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकंड वन इज फंक्शन, थर्ड वन इज सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। ओके, ये मुझे देना है, देखना है, इन्हीं पे मेरे को ध्यान देना है। इन तीन को हम कहते हैं एरियाज ऑफ स्पीकिंग। इसमें अगर मैं बात करता हूं मैकेनिक्स की, यहां पर प्रश्न आपका मैकेनिक्स से है लेकिन हम इनको भी साथ में समझ लेंगे। मैकेनिक्स का मतलब होता है राइट यूज ऑफ वोकैबुलरी। क्या मतलब है इसका, राइट यूज ऑफ वोकैबुलरी, यानी वर्ड्स आपके करेक्ट यूज हों, और किसकी स्किल है, स्पीकिंग की। तो अगर स्पीकिंग में वर्ड्स को राइट यूज मुझे करना है तो पहली बात तो मुझे वर्ड्स का साउंड प्रॉपर चाहिए, क्योंकि अगर मेरा प्रोनंसिएशन, मेरा साउंड, मेरा इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, अगर ये सारी चीजें बेकार हैं तो इन दैट केस स्पीकिंग प्रभावी नहीं होगी, यानी वो वर्ड्स का करेक्ट यूज नहीं होगा। जैसे यहां पर अभी आपका टेस्ट लिखा था पिछले क्वेश्चन में और मैं वहां पर बोलता था टेस्ट, देन विल इट बी राइट। सपोज करें आप एक पार्टी में गए हुए हैं और वहां पर आपको बोल दिया जाए देयर इज स्नेक इन द होल, तो आप क्या समझेंगे, जब कहना क्या था, देयर इज स्नेक इन द होल, जरा से उससे अगर आपका साउंड गलत हो जाए तो पूरा अंतर पड़ जाएगा। यहां पर अगर वर्ड का राइट यूज करना है तो वर्ड का करेक्ट प्रोनंसिएशन होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, सेकंड वर्ड वो वोकैबुलरी मेरे पास होनी होनी चाहिए।
कि अगर वोकैबुलरी नहीं हुई तो मैं यूज किसका करूंगा, मैं कहना भी चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स माई आइडियाज माई इंफॉर्मेशन इन, सो वोकैबुलरी इज मस्ट। और इसमें थर्ड थिंग आती है वो होती है आपकी ग्रामर, या ग्रामर वर्ड अगर आपको न मिले देन यू कैन से स्ट्रक्चर, जैसे साउंड के स्थान पर आप प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, इसी तरह से ग्रामर के साथ आप स्ट्रक्चर जोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ग्रामर से मिलते हैं। तो यहां पर ग्रामर या स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस जगह पर आना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द को इधर से उधर करने पर भी पूरा मीनिंग गलत होता है। जैसे मैंने आपको कहा माय ब्रदर सैट ऑन द हॉर्स, माय ब्रदर सैट ऑन द हॉर्स, जैसे मेरे भाई की शादी है और मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा भाई घोड़े पर बैठा। अब मैंने क्या किया कि इस शब्द को यहां से हटा करके यहां कर दिया, नाउ गेट द मीनिंग, ऑन माय ब्रदर सैट द हॉर्स, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट मीनिंग इस समय चेंज हो चुका है। ओके, या भाई का दम निकल जाएगा। सो यहां पर यही चीज हमें देखनी है कि यहां पर प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी और ग्रामर ये तीनों हैं, तो आंसर तो आपको क्लियर हो चुका होगा इसका। ओके, अब अगर हम यहां बात करते हैं फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन का मतलब है लैंग्वेज के कार्य। लैंग्वेज का कार्य क्या है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, विचारों का आदान प्रदान। जो लैंग्वेज क्या है, इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज होने को, यानी शेयरिंग ऑफ आइडिया, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स की। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी से मिलती हैं और हमारी कल्चर से हमें मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। जैसे देखिए, बोलना तो एक बच्चा तभी सीख जाता है जब वो 3 वर्ष का होता है, लेकिन कब किससे कहां पर क्या कैसे बोलना है ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें सीखते हैं हमारी सोसाइटी से, हमारी कल्चर से। जिस तरीके से हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं उस तरीके से अपने पिता के साथ बात नहीं कर सकते, जिस तरह से हम पिता के साथ बात कर सकते हैं उस तरह से छोटे भाई के साथ बात नहीं करते हैं। यानी हर किसी से बात करने का तरीका, बात करते समय हमारे शब्दों का चयन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। ओके, तो इसका आंसर आपका हो गया है। मैकेनिक्स में उसने पूछा है क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मैकेनिक्स में आपकी वोकैबुलरी है, ग्रामर है, एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following skills is fundamental to human communication? Okay, in daily life. Which of the following skills is fundamental to human communication in daily life? यानी हमारे जो रेगुलर वार्तालाप होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसका बेस इनमें से किस स्किल को आप कह सकते हैं? The first one is listening, second one is speaking, third one is reading, fourth one is writing. तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन कब होगा, जब स्पीकिंग होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इसका जो बेस है, इसका जो फंडामेंटल है, दैट इज स्पीकिंग। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड टू, इसका मतलब कहने का यह है कि कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी, यानी हम जो बात करते हैं उसमें एफिशिएंसी किन से डेवलप की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है लैंग्वेज इनपुट, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेटिव आउटपुट। ओके, द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज इनपुट, अगर हमें कन्वर्सेशन करना है तो लैंग्वेज में इनपुट तो देना ही होगा। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, यानी जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी होगा, वो भी करेक्ट है। थर्ड वन इज कम्युनिकेटिव आउटपुट, आप कम्युनिकेशन में हैं तो कम्युनिकेशन आपका आउटपुट भी आएगा, इनपुट भी होगा, दोनों चीजें होंगी, इसका हमें थर्ड भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा बंदोपाध्याय, इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 4, आस्क हर स्टूडेंट्स हाउ दे ग्रीट ईच अदर और देयर एल्डर्स, हाउ दे आस्क फॉर थिंग्स और इंफॉर्मेशन, हाउ दे शेयर देयर एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट, हाउ दे मेक स्टोरीज और मैनिपुलेट देम, हाउ दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद डिफरेंट जेस्टर्स एक्सेट्रा। सी डज दिस इन ऑर्डर टू एसेस डॉट स्किल ऑफ हर लर्नर्स। तो यहां पर उसने कहा है कि ये जो वो कर रही है, क्या कर रही है वो फोर्थ क्लास के बच्चों से कहती है कि आपको अपनों से बड़ों से ग्रीट करना है, एक दूसरे से ग्रीट करना है, चीजें मांगनी है, इंफॉर्मेशन के लिए पूछना है, एक्सपीरियंस शेयर करनी है। तो यहां पर वो कौन सी स्किल को एसेस करने की कोशिश करेगी? अब देखिए, अगर मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता हूं और उस समय पर मुझे एसेस कर रहा है, मैं आपसे ग्रीटिंग कर रहा हूं, हेलो हाउ आर यू, तो उस समय कोई मुझे एसेस कर रहा है, या मैं किसी स्टोरी के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा हूं उस समय कोई मुझे एसेस कर रहा है, तो वो मेरा क्या एसेस करेगा? He will assess my speaking skill, क्योंकि इनका एक्सचेंज किसमें आता है? स्पीकिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर? तो जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, दोज आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। ओके, तो यहां पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेरा लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। और आप में से अगर कोई न्यू है, कोई न्यू व्यूअर है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।